हमने देखा है कि 2012 में जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ तो देश के हर एक युवक सड़क पे उतर आए, धरना पे बैठे कि बस अब हम और नहीं सहेंगे, लड़कियों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। और ये केवल सिर्फ लड़कियों की मांग नहीं थी, इसमें लड़के भी शामिल थे। अगर आज आप बदलाव लाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हर रूढ़िवादी सोच, हर वो सोच जो औरतों को पीछे रखता है, उसमें हम सवाल उठाएं। हम सवाल उठाएं कि लड़कियां जीन्स क्यों नहीं पहन सकती हैं, उनमें क्या कमी है? क्या सिर्फ जीन्स पहनने से लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है? क्या उन लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है जो सलवार कमीज पहनती हैं? उन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है जो साड़ी पहनते हैं? जो बुरखा पहनते हैं उनके साथ भी अत्याचार होता है? तो हम उन सब पे सवाल उठाएं, क्यों लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती हैं? क्यों लड़कियां मोबाइल लेके नहीं बात कर सकती हैं? क्या मोबाइल सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है? लड़कियां क्यों देर तक रात में बाहर नहीं रह सकती हैं? क्या उसमें लड़कियों की कमी है? अगर सब लड़कों को हमने घर में बंद कर दिया और रात को लड़कियां घूमेंगी तो क्या कोई परेशानी होगी? तो हम ये देखें कि फॉल्ट कहाँ है, नुक्स कहाँ है, और हम उस पर बात करें, हम सवाल उठाएं, हम हर जगह सवाल उठाएं, हम नई सोच लेके आ रहे हैं। हमारे युवा, हमारा विश्वास है, मुझे लगता है कि आप सब लोग सवाल उठाएंगे, हम नई दिशा के लिए, हम नई दिशा की ओर चलेंगे। और ये सिर्फ समाज के लिए नहीं है, जो बदलाव आएगा वो हमारे से शुरू होगा, अपने से शुरू होगा, अपने घर से शुरू होगा। हम सवाल उठाएंगे कि कन्या भ्रूण हत्या हमारे घर में क्यों हो रहा है, हम दहेज क्यों ले रहे हैं, लड़कियां शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर रही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे युवक जो है, लड़की लड़कियां, इस दिशा की ओर, नई दुनिया की ओर हम सबको ले जाएंगे। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और भागीदारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।